दुनिया की 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी ट्रेन में सफर तो जरूर किया ही होगा। ब्रिजों और सुरंगों से गुजरती हुई ट्रेन के सफर का तो मजा ही कुछ अलग होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे भी हैं जिनकी बनावट इतनी खतरनाक है कि वहां से गुजरते हुए आपके मन में एक बार मौत का ख्याल तो जरूर आएगा। इनमें से कोई एयरपोर्ट के रनवे से गुजरता है, तो कोई भरे बाजार से, और कोई समुद्र के ऊपर से। तो चलिए आपको ले चलते हैं 10 ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के रोमांचक सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पर डेवल्स नोज ट्रेन इक्वाडोर। डेवल्स नोज ट्रेन इक्वाडोर के लाउसी और जिम्बाब्वे के बीच एंडीज पर्वतमाला पर बना यह 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देगा। 1902 में बनाए रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इसे बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी, इसलिए इसे डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक भी कहा जाता है। इनमें से कईयों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। इस पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तट से 9000 फीट तक पहुंच जाती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब इस ऊंचाई से ट्रेन गुजरती होगी तो सफर कितना डरावना होता होगा। 9 नंबर पर ट्रेन है कंबर्स एंड टोल्टेक सनक रेल रोड, न्यू मैक्सिको। अमेरिका के न्यू मैक्सिको का ये रेलवे रूट बहुत पुराना है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है जो रॉकी पर्वतमाला से होकर गुजरती है। अधिक ऊंचाई होने के चलते ट्रैक पर सिर्फ स्टीम और कोयले की ही इंजन चलते हैं। करीब 80 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक चाम न्यू मैक्सिको और एंथोनी ऑटो कोलोराडो को जोड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह खतरनाक ट्रैक 9 महीनों में तैयार कर दिया गया था। इसकी सबसे अधिक ऊंचाई जमीन से करीब 150 मीटर सेंट जॉन माउंटेन पर है। मानो या ना मानो, जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो मुसाफिर अपना दिल थाम लेते हैं। 8 नंबर पर ट्रेन टू द क्लाउड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बनाइए रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक्स में से एक है। 1948 में बनकर तैयार हुए इस रेलवे ट्रैक को बनने में करीब 27 साल का समय लगा। जमीन से 4220 मीटर ऊंचाई पर बने इस शानदार ट्रैक को ट्रेन ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। 21 सुरंग और 13 पुलों से होकर गुजरते पर्वतमाला की गोद में बसा ये ट्रैक आपको उत्तर पश्चिमी और अर्जेंटीना से चिली की सीमा तक की सैर कराता है। रेलवे ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज्यादा होने के चलते इसकी रोजाना जांच की जाती है। 7 नंबर पर वाइट पास एंड यूकॉन रूट। अलास्का यूएसए कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे। अलास्का में बना ये ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है। इसे वाइट पास ट्रैक नाम अलास्का की ऊंचाई चोटी वाइट पास के नाम पर दिया गया है। ये ट्रैक कनाडा और अमेरिका की अटूट दोस्ती की निशानी भी माना जाता है। ट्रेन का रास्ता पहाड़ और गहरी खाई से लगा हुआ है, जहां का नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन सुकून की बात तो यह है कि यहां आज तक कोई हादसा नहीं हुआ, और इसलिए ये ट्रैक दुनिया भर के रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करता है। 6 नंबर पर है जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, यूएसए। अमेरिका के कोलोराडो में बनाए रेल मार्ग 3 फीट नैरो गेज का है। इसके फूलों और तीखे मोड़ों पर ट्रेन बहुत ही धीरे और सावधानी से गुजरती है। 2 पहाड़ियों पर बना ये रेल ट्रैक 1887 में तैयार हुआ, लेकिन कुछ हादसों के कारण इसे 1939 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में कुछ बदलाव के बाद 1984 में इसे दोबारा खोला गया। ये रूट कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूट तो सिर्फ 7.2 किलोमीटर का है, लेकिन 640 फुट की ऊंचाई चढ़ाई के बाद गहराई का नजारा बहुत डरावना होता है, और सफर पूरा करने में ट्रेन को करीब 1.25 घंटे का समय लग जाता है। 5 नंबर पर है
रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई, दक्षिण भारत का ये रेल मार्ग समुद्र के ऊपर से होकर गुजरता हुआ तमिलनाडु को रामेश्वरम के पंबन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंबन ब्रिज भी कहते हैं। इस पुल की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य अगस्त 1911 में शुरू किया गया था और 24 फरवरी 1914 में ये बनकर तैयार हो गया था। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। हर रोज आने वाले तूफानों और तेज हवाओं के बीच चलते रेल का ये सफर कितना रोमांचक और खतरनाक होता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए यहाँ एक बार आना तो बनता है। 4 नंबर पर है एसो मनामी रूट जापान, दुनिया के सबसे डरावने और खतरनाक रेलवे ट्रैकों में से एक। एसो मनामी रेलवे लाइन जापान में है। रेलवे लाइन का एक हिस्सा ऊंचे लोहे के एक संकरे और दोनों तरफ से खुले पुल से होकर गुजरता है और ड्राइवर का एक गलत कदम आपको मौत की तरफ ले जाने के लिए काफी है। खतरा सिर्फ यही खत्म नहीं होता। ट्रेन का रूट माउंट एसो से होकर गुजरता है जो जापान के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। ज्वालामुखी का एक विस्फोट ट्रेन और यात्रियों सफर तय कर सकता है। 3 नंबर ट्रेन है मैकलॉन रेलवे मार्केट ट्रैक थाईलैंड की। आपने भरे बाजार से ट्रेन को गुजरते हुए देखा है, आप ये भी देख लीजिए। थाईलैंड के मैकलॉरेन रेलवे मार्केट के बीचों बीच से एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। यहाँ दिन में 2 बार शाम 4 बजे और 6 बजे ट्रेन गुजरती है और क्या आपको पता है लोग इसकी पटरी पर दुकान भी लगाते हैं। जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो लोग अपनी दुकानों से सामान हटा लेते हैं और बाद में फिर से अपनी दुकान लगा लेते हैं और ट्रेन और लोगों के बीच की दूरी होती है सिर्फ 1 फीट। 2 नंबर पर है नेपियर गिस्बोन रेलवे न्यूजीलैंड। इस रेलवे ट्रैक की सबसे अनोखी बात यह है ये किस एयरपोर्ट के मुख्य रनवे से होकर गुजरता है और ट्रेनों को इस रनवे पर बनी पटरी से गुजरने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इजाजत लेनी होती है। इस ट्रैक का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था और 1981 में इसे पूरा कर लिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह हवाई अड्डे के रनवे के बीच से स्टीम ट्रेन गुजरती है। 1 नंबर पर है द डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड। 415 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक देव रेलवे के नाम से भी जाना जाता है थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ते इसे रेल ट्रैक को 1947 में बंद कर दिया गया था और इसका कारण जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों इस रेलवे ट्रैक को बनाते समय 90,000 से भी ज्यादा कर्मचारी की मौत तवाई नदी में गिर जाने की वजह से हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया था। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।